मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे डिस्कस कक्षा षष्ठम चतुर्थ पाठ अकारान नपुंसक लिंग। आज हम संस्कृत पाठमाला चतुर्थ पाठ अकारान नपुंसक लिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लासेस अकारान स्त्रीलिंग, अकारान पुरलिंग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अकारान स्त्रीलिंग है, अकारान स्त्रीलिंग क्या होती हैं, अकारान पुरलिंग क्या होती हैं, और चतुर्थ पाठ अकारान नपुंसक लिंग क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अकारान क्या होती हैं, नपुंसक लिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम कि अकारान जो होते हैं, जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो, अशब्द का प्रयोग होता हो, वह अकारान शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकम, गृहम, पुष्पम, नेत्रम, निर्णम, पत्रम आदि। आप देख सकते हैं कुछ बुकेस में दिए हुए हैं कि सभी के अंत में अशब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये पुस्तकम, गृहम, पुस्तकम, नेत्रम सब इनके उदाहरण हैं। नपुंसक लिंग क्या होती है, नपुंसक लिंग प्रायः निर्जीव जो वस्तु होते हैं, जो पुरलिंग ना हो ना स्त्रीलिंग ना हो, यानी जो निर्जीव वस्तु होते हैं, निर्जीव वस्तु हमेशा क्या कहलाती हैं, नपुंसक लिंग कहलाती हैं। जब शब्द का प्रयोग करते समय ना पुरुष जाति का बोध होता हो ना स्त्री जाति का बोध होता हो, वह नपुंसक लिंग कहलाते हैं। प्रायः निर्जीव वस्तु हमेशा नपुंसक लिंग कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे पुस्तकम, गृहम, पुष्पम, नेत्रम, ये सब के सब निर्जीव वस्तु है, इसमें जीव नहीं रहते हैं। निडम, घोंसला में जीव रहता है क्या, घर में जीव रहते हैं क्या, पुस्तक में जीव रहता है क्या, नहीं रहता है। सब के सब क्या होती हैं, निर्जीव वस्तु होते हैं। तो मैंने आपको अकारान्त के बारे में बताया, नपुंसक लिंग के बारे में बताया। यहाँ पर बात की गई है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, पुस्तकम शब्द में एक वचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग और बहुवचन का प्रयोग। मैंने आपको अकारांत पुरलिंग पढ़ते समय, अकारांत स्त्रीलिंग पढ़ते समय मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया था कि वचन जो होते हैं, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, हिंदी में दो वचन होते हैं, इंग्लिश में दो होते हैं, पुरलर और सिंगुलर एंड पुरलर। उसी प्रकार एक वचन और बहुवचन होते हैं हिंदी में, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन क्या होती हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते समय एक ही वस्तु का बोध होता हो, या फिर वस्तु का प्रयोग करते समय एक ही वस्तु का बोध होता हो, वहाँ पर एक वचन कहलाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग करते समय दो वस्तु का बोध होता हो, वह द्विवचन कहलाते हैं, और दो से अधिक वस्तु का बोध होता हो, वहाँ पर बहुवचन कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार दिया है गृहम, गृहे, गृहाणी, आप पढ़िएगा। पुस्तकम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी, निडम, निडी, निडानी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी। इस प्रकार ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो कि अकारांत से संबंधित है, नपुंसक लिंग से संबंधित है। पेज नंबर देखिएगा 27 की बात की जा रही है, ये आपकी रिविजन क्लासेस के रूप में चल रही है कि रिविजन क्लासेस क्या होती हैं, पुनः उस सब्जेक्ट को पढ़ाना जो पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को पढ़ा चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को इसको अध्ययन करवा चुका हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से अध्ययन करवा चुका हूँ, पुनः मैं आप लोगों को रिविजन क्लासेस के रूप में यह अध्ययन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर बात की गई है छत्रम, छत्रे, छत्राणी, व्यंजनम, व्यंजने, व्यंजनानी, कुंदकम, कुंदके, कुंदकनानी। इनका मीनिंग्स मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या होती है, देखिए इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुंदकम दिया है, कुंदकम मतलब होता है बॉल, कुंदके दो बॉल, और कुंदकी कुंदकानी मतलब होता है तीन बॉल, बहुवचन का प्रयोग। व्यंजन, यहाँ पर फैन की बात की जा रही है, व्यंजने, व्यंजनानी, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर।
तो इस प्रकार आप देखिएगा कहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है, कहाँ द्विवचन का प्रयोग हो रहा है और कहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार संगणकम दिया है, संगणकम गणकम संगणकी संगणकाणी, उसी प्रकार वायुयानम वायुयाने वायुयायानी, है ना। देखिए इमेज के माध्यम से देखिएगा कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे दिए हैं, देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पर सोपानम दिया है, सोपाने दिया है, सोपानी मीना सोपानी, तो इस प्रकार कुछ ऐसे दिए हुए हैं। कुछ द्वारम दिया हुआ है, पेज में देखिएगा द्वारम की बात की गई है, उसी प्रकार द्वारे द्वाराणी पात्रम पात्रे पात्राणी दुधम दुधे दुधानी भोजनम भोजने भोजनानी उद्यानम उद्याने उद्यानी उद्यानानी चक्रम चक्रे चक्राणी। तो इस प्रकार मैंने आपको चक्रम के बारे में बताया कि चक्रम क्या होती हैं, चक्के के बारे में बताया दो चक्का और तीन चक्का, उद्यानम उद्याने उद्यानी यहाँ पर एक उद्यान है बगीचा है, यहाँ पर दो बगीचे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बगीचे हैं, दो से अधिक बगीचे हैं, इसलिए भोजनम भोजने भोजनानी। तो इस प्रकार आप वचन्स को पहचानिएगा, वचन्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया कि एक वचन द्विवचन बहुवचन्स क्या होती हैं, है ना, उस हिसाब से आप हम अध्ययन करेंगे पाठ को। देखिएगा वस्त्रम वस्त्री वस्त्राणी की बात की गई है। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर, यहाँ पर फलम की बात की गई है, यहाँ पर जो फल दिए हुए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एतत किम, यह जो दिया हुआ है एतत किम, एतत जो होते हैं वह एक वचन की संबंधित हैं क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। एतत किम, यह क्या, किम मतलब क्या, यह मतलब होता है एक वचन। एतत फलम, यह फल, फल है। एतत किम फलम, यह जो है किसका फल है, मतलब क्या फल है, यह क्या फल है। एतत आम्रम, मतलब यह आम का फल है या फिर आम है। तो इस प्रकार मैंने क्या बताया कि एतत जो होते हैं वह एक वचन होते हैं, यह क्या, एतत फलम यह फल है, एतत किम फलम यह क्या फल है, एतत आम्रम यह आम का फल है या फिर आम है। तो इस प्रकार मैंने आम के बारे में बताया एक वचन से संबंधित। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं यहाँ पर देखिएगा दो नेत्र के बारे में बात की गई है, दो मतलब होता है द्विवचन। एते, एते जो होंगे वह द्विवचन कहलाएंगे, एते है ना, एते की बात की जा रही है, एते के, एते के ये जो दिख रहा है मतलब एते के, ये दोनों क्या, मतलब ये दोनों क्या हैं या फिर ये दोनों, ये दो क्या हैं ऐसे बोल सकते हैं। एते नेत्रे, ये दो आँखें हैं, ये जो दो दिए हुए हैं ये दो आँखें हैं। एते नेत्रे किम कुरुतः, किम कुरुतः मतलब वहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये दो आँखें क्या करती हैं। एते नेत्रे पश्यतः, पश्यत मतलब होता है देखना, ये दो आँखें देखती है, देखने का काम भी करती है, इस प्रकार बताया गया है। एते नेत्रे पश्यतः, यह नेत्र क्या करती हैं, देखने का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेत्र के बारे में बताया, द्विवचन के बारे में बताया, एते जो शब्द होते हैं वह द्विवचन से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, इतानी कमकानी, इतानी मतलब होता है यह सब, मतलब बहुवचन के बारे में बात की जा रही है। इतानी, इतानी जो होते हैं वह बहुवचन से संबंधित होते हैं, इतानी मतलब होता है ना, ये सब। कानी मतलब होता है क्या, यहाँ पर दो से अधिक दिख रहा है आपको, दो से अधिक दिखाई दे रहे होंगे कि इतानी कानी मतलब ये सब क्या है। इतानी कमलानी, इतानी कमलानी, ये सब कमल हैं। कमलानी किम पुरंती, कुरुवंती मतलब होता है कमल क्या करते हैं, और कमलानी विकसंती, कमल विकसित होते हैं। ये सब क्या हैं, ये सब कमल हैं, कमल क्या करते हैं, कमल
खिलते हैं। विकसित मतलब होता है खिलना या फिर विकसित मतलब होता है कमल के बारे में मैंने चर्चा किया। अब देखिएगा एतद्, एतद् कौन से वचन में आएंगे? एतद् जो शब्द है वह एक वचन में आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही घर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो घर दिखाई दे रहा है वह एक ही घर है। एतद् किम अस्ति, यह क्या है? अस्ति मतलब होता है किम मतलब होता है क्या, यह क्या है? एतद् भवनम अस्ति, यह भवन है। एतद् भवनम कीदृशम अस्ति, एतद् भवनम मतलब यह भवन, कीदृशम मतलब कैसा है, यह भवन कैसा है। एतद् मनोहरम विशालम च अस्ति, यह मनोहर मतलब होता है सुंदर, विशालम मतलब होता है बड़ा, च मतलब होता है और, अस्ति मतलब होता है। जब भी दो शब्दों के बीच में, जब दो शब्दों के बाद कोई च शब्द का प्रयोग होता है वह बीच में और शब्द का प्रयोग होता है तो सुंदर और बड़ा है। तो इस प्रकार आप बात करेंगे यह सुंदर और बड़ा है। मैंने भवन के बारे में बताया कि भवन क्या होती हैं। अब देखिएगा नीचे जो दिए हुए हैं, एते के इस्मा, एते के इस्मा, एते के इस्मा, एते जो होते हैं वह द्विवचन का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो दिए हैं कुछ यहाँ पर वन और टू के बारे में बात की क्योंकि एते जो शब्द होंगे वह बहुवचन, बहुवचन सुनी द्विवचन में होंगे। ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये दो क्या है? एते चक्रे इस्मा, ये दो पहिए हैं। एते चक्रे किम कुरुतः, ये दो पहिए क्या करते हैं? एते चक्रे भ्रमतः, ये दो पहिए घूमते हैं, घूमने का काम करते हैं। बताया गया है जो पहिए होते हैं वह घूमने का काम करते हैं। तो इस प्रकार बताया गया है कि एते के है ना, यह क्या है, एते ये दोनों क्या है, ये दो क्या है, ये दो भवन पहिए हैं, ये दो पहिए क्या करते हैं, ये दो पहिए घूमते हैं। तो इस प्रकार पहिए के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं बहुवचन का प्रयोग किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। बहुवचन जो होते हैं इतानी जो होती है बहुवचन, कानी संति, इतानी कानी संति, इतानी मतलब होता है ये सब क्या है, इतानी विमानी संति, इतानी विमानी संति, इतानी विमानी संति, ये जो है वह विमान मतलब ये सब विमान है। इतानी विमानी किम कुर्वन्ती, इतानी विमानी किम कुर्वन्ती, ये जो विमान है क्या करते हैं, ये सब विमान क्या करते हैं, मतलब यह सब क्या है, ये सब जहाज है, ये सब जहाज क्या करते हैं, ये सब जहाज उड़ते हैं। एतानी विमानी उत्पन्ती मतलब ये सब जहाज क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी बनाइएगा कुछ कुछ शब्दों को, वर्ड मीनिंग्स को याद रखिएगा। एतत् शब्द किस लिए वचन में प्रयोग होते हैं, एति कौन सा वचन से, एतानी कौन सा वचन से, इसको आप भी याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आपको भी क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ईसा क्या, ईसा मतलब एक ही बच्चे के बारे में बात की जा रही है। ईसा मतलब होता है यह, ईसा यह के बारे में बात की रही है, यह क्या, यह क्या के बारे में बात की जा रही है। ईसा मतलब होता है यह क्या। ईसा बालिका अस्ति, ये जो है बालिका है मतलब होता है बालिका, यह बालिका है। ईसा बालिका पठती, ईसा बालिका पठती, यह बालिका पढ़ती है। ठीक है, यह बालिका पढ़ती है। तो इस प्रकार आप भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, है ना। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, उसको मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को बताने की कोशिश करूँगा। नीचे जो लास्ट पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, सिंह के बारे में बात की गई है। ईसह क, ईसह सिंह अस्ति, यह
सिंह मतलब होता है बाघ या शेर है, सिंह गरजति सिंह गरजता है। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ ऐसे शब्द के बारे में बताया, वर्ड मीनिंग्स आप याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग्स दिए हैं पुस्तकम पुस्तक गृहम घर पुष्पम फूल नेत्रम आँख, है ना, सबको याद रखिएगा। मुखम मुख नीडम पत्रम छत्रम व्यंजनम कुंदकम संगणकम कीम क्या होता है, की नपुंसक लिंग कानी पश्यतः कमलानी कमल विकसन्ति खिलते हैं भवन भवन मनोहरम विशालम अस्ति। इस प्रकार सभी चीज़ को आप भी एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स आप में याद रहेंगे तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ये रिविजन क्लासेस के रूप में चल रही है आपकी, रिविजन क्लासेस हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपके ग्रुप में देखिएगा। और इसमें वर्ण विन्यास रिक्त पर्यत के बारे में बताया गया है, दृष्टवा संस्कृति पदानी के बारे में बताया गया है, है ना। बाल गीतम आप नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि क्या होती हैं, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से स्टडी करेंगे, एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें आ रही हैं सब्जेक्ट टीचर को बताइए और उनसे सॉल्यूशन लीजिए। बाय बेटा।